आप सब लोगों का बहुत स्वागत है इस कृष्णा जन्माष्टमी महोत्सव के अंदर। आपको मतलब कहने के लिए तो इतना कुछ है कि क्या मतलब बोला ही नहीं जा सकता, लेकिन आपको दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ। पहली बात ये है कि जो अगर कोई पूछे कि क्या आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हाँ आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो क्या आज हमें विशेष रूप से उत्साहित होना चाहिए? देखो भाई, होना तो चाहिए, लेकिन ये बात एक्चुअली में पूरी तरह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं नित्य हैं तो इसका मतलब यह है कि भगवान हर क्षण, हर रोज भगवान किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान प्रकट हो रहे हैं, किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान अपनी विभिन्न लीलाएं भगवान संपन्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें रात को 12 बजे तक का प्रतीक्षा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अभी इस क्षण भी हम सोच सकते हैं कि भगवान प्रकट हो रहे हैं और हम भगवान के उस प्राकट्य लीला में सराबोर हो सकते हैं। ये इतना आसान है बेसिकली। तो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष, राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा इत्यादि अवसरों पर हम विशेष प्रयोजन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ये सोचने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमें हर दिन हमें इतने ही उत्साह के साथ भगवान की सेवा में हमें जुड़ना चाहिए। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भावना में अभी और उसका विकास करने की आवश्यकता है। बस इतनी बात है। दूसरी बात ये है कि जितना इस पृथ्वी के समुद्रों में जल है या जितने कण हैं, ब्रह्मा जी भागवतम के 10वें स्कंध में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी 14वें अध्याय में कह रहे हैं 10वें स्कंध के, कि इस ब्रह्मांड में इसके कणों को गिना नहीं जा सकता, पृथ्वी के कणों को गिना नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई गिन लेगा तो भी वो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत ही आ गई कि गिन लिए। जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हैं, वो पृथ्वी को फुटबॉल बना के खेल रहे हैं भाई, अब आ गई ताकत उनमें, क्या करोगे आप, है तो है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हो सकता है किसी में ताकत आ जाए, वैसे तो असंभव है लेकिन हो सकता है किसी में ताकत आ जाए, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं को गिन पाना, समझ पाना असंभव है। और लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर जितने कण हैं धूल के, इस पृथ्वी पर समुद्र के अंदर जितनी पानी की बूंदें हैं, उससे ज़्यादा बार हम जन्म ले चुके हैं, असीमित जन्म ले चुके हैं, और उन असीमित जन्मों के अंदर दो बातें हुई हैं, तीसरी कोई बात नहीं हुई, दो बातें हुई हैं, या तो हमें पता ही नहीं चला भगवान कृष्णा चैतन्य महाप्रभु गोलोक धाम वैकुंठा, हमें पता ही नहीं चला,
हाँ, हो सकता है हमने सुना, श्रद्धा नहीं है, बात खत्म हो गई। जैसे जो भारत में रह रहे हैं मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, स्पेशली जो कन्वर्टेड हैं, वो भी सुन रहे हैं, उनको पता है भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, शिव जी के बारे में, लेकिन अपमान करने में लग रहे हैं वो। तो हो सकता है हमने सुना ही नहीं होगा, या सुना होगा तो हमारी श्रद्धा ही नहीं है। अब क्या करेंगे, श्रद्धा ही नहीं है तो 1 लाख बार सुन लो आएगी नहीं कुछ भगवान की सेवा करने का विचार। और दूसरा बात ये हो सकती है कि हमने भगवान की भक्ति शुरू की लेकिन पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये बड़ी आश्चर्य की बात हो गई कि पता नहीं कैसे, हमारा उसमें कोई खास योगदान है नहीं हमारा बेसिकली, लेकिन पता नहीं कैसे प्रभुपाद की शरण मिल गई, नित्यानंद प्रभु की शरण मिल गई, महाप्रभु की शरण मिल गई। और जो महाप्रभु जिस भाव को, जिस उन्नत उज्ज्वल माधुर्य भाव का, जो पहले कभी किसी ने दिया ही नहीं भाव, ये शाश्वत नित्य भाव है, सदैव इसका अस्तित्व रहा, लेकिन दिया नहीं किसी ने, दिया नहीं किसी ने, लेकिन महाप्रभु ने उस विरह के भाव को महाप्रभु ने आके दिया। तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे इसका लाभ उठा लें। अब भगवान कृष्ण के अगर हम भक्तों की बात करें तो जो सिद्ध भक्त हैं, चाहे वो नित्य सिद्ध है या साधना सिद्ध है, फर्क नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद अपने एक लेटर में लिख रहे हैं, आई थिंक उर्मिला माता जी को या किसी को लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक बार आपने चाहे साधना से सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, एक बार प्राप्त कर लिया सिद्धावस्था को, फिर फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जो नित्य सिद्ध है और जो साधना सिद्ध है, अब फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रमाण भी है, लेकिन प्रमाण मैं इसलिए नहीं दे रहा कि अभी मैं उस पर थोड़ा अभी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं अभी आपको कुछ बोल दिया तो बहुत भारी कन्फ्यूजन खड़ी हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण के दो तरह के जो सिद्ध भक्त हैं, दो तरह के हैं। एक जो स्वकीय भाव में भक्ति कर रहे हैं और जो एक परकीय भाव में भक्ति कर रहे हैं। तो श्रील जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो स्वकीय भाव है, बेसिकली जो जो भगवान कृष्ण की जो पत्नियां ही हैं, जो रानियां हैं द्वारका की, वो हैं। और परकीय भाव में बेसिकली जो वृंदावन की गोपियां हैं, बाकी जितने लोग हैं सब नीचे हैं, बेसिकली जितने लोग हैं नीचे हैं। अब ये सवाल उठ जाता है कई बारी, और ये सभी आचार्यों का मत है कि जो वृंदावन की जो गोपियां हैं, उनका जो भाव है, जो जिस भाव को उन्होंने प्राप्त कर लिया, जो पराकाष्ठा को प्रेम की प्राप्त कर लिया, वो कोई और नहीं कर सकता। तो कई बार मन कचोटता है, कई बार मन में ये हीन भावना आ जाती है, बड़ी डिप्रेशन हताशा आ जाती है कि भाई होगा कैसे। तो फिर अगर हम भागवतम के दशम स्कंद के 90वें अध्याय, जो बिल्कुल आखिरी अध्याय है, अगर हम उसको पढ़ें तो हमें बहुत सांत्वना मिलेगी, हमें बहुत, हमें सुख और प्रेरणा हमें प्राप्त होगी। सब लोग
इस संसार में, इस कौन के अंदर जो है बेसिकली जितने भी डिवोटीज हैं वो बात करते हैं, गोपी गीत की बात करते हैं, बहुत फेमस है गोपी गीत, भगवान से विरह हो रहा है, रास नृत्य के दौरान भगवान अचानक अदृश्य हो गए, तो क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं, वो गोपी गीत आ गया। पूरे संसार में जो पेशेवर प्रवक्ता हैं और वो तो इस गोपी गीत को बहुत उसको गुनगुना रहे हैं वो लोग। फिर भ्रमर गीत है, वो भी बहुत फेमस है कि कैसे श्रीमती राधा रानी एक भ्रमर को देखकर उनको भगवान कृष्ण का स्मरण हो गया और उन्होंने भ्रमर गीत उन्होंने प्रकट किया, अपने हृदय के जो भावनाएं हैं उन्होंने प्रकट की। और हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो भ्रमर है वो एक्चुअली में भगवान कृष्ण ही है, वही भ्रमर के रूप में पहुंच गए वहाँ पे। और जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने भ्रमर को देखा तो जो भ्रमर है वो बेसिकली भगवान कृष्ण भ्रमर के रूप में श्रीमती राधा रानी की जो एक टक दृष्टि थी उसमें कैद हो गए, एकदम से हिल नहीं पाए अपनी जगह से, ऐसे नहीं कि उड़ के छुमंतर हो जाए, वहीं पर अटक गए, वो भी वहीं पर फंस गए। श्रीमती राधा रानी की इतनी महिमा है। तो हमारे आचार्य सब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि श्रीमती राधा रानी को कन्फ्यूजन हो गई कि ये जो भ्रमर है इसका रंग जो है वो कृष्ण जैसा है, वो एक्चुअली में कृष्ण ही है, एक्चुअली में कृष्ण ही है। और सिद्धांतिक रूप से भी देखा जाए, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण कण कण में विराजमान है, बेसिकली कण कण के अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन श्रीमती राधा रानी देख लेती हैं, गोपियां देख लेती हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, आंखों में प्रेम का सुरमा लगेगा तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बेसिकली बात ही है। ये जो विभिन्न वस्तुओं को देखकर भगवान कृष्ण का स्मरण होना, चैतन्य महाप्रभु ने भी इन भावनाओं को प्रकट किया, समुद्र को देख के जमुना जी का स्मरण हो गया, चटक पर्वत पुरी में देखकर गोवर्धन का स्मरण हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि कुछ नशा सा कुछ मतलब भ्रम हो गया, वो भ्रम वाली बात जो है वो भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में नहीं आती। पूरी प्रकृति जो है शुद्ध भक्तों को भगवान कृष्ण का स्मरण कराने में जुट जाती है, पूरी प्रकृति पूरा जोर लगा देती है अगर शुद्ध भक्त जो है भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहे तो। जहाँ वो देखेगा भगवान कृष्ण का स्मरण करने के लिए उपयुक्त वस्तु सामने आ जाएगी। प्रेरणा हमारे लिए क्या है? प्रेरणा हमारे लिए है कि जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनके लिए भी संभव है, जो पराकाष्ठा ब्रज की गोपियों ने प्राप्त की, जो श्रीमती राधा रानी और गोपियां जो हैं प्रकट कर रही हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, वो गृहस्थ भक्तों के लिए भी उपलब्ध है। वो
तो ये जो 90वां अध्याय है, इसके अंदर एक और गीत इसके अंदर छुपा हुआ है, उसको महिषी गीत कहते हैं। महिषी गीत का मतलब है कि जो भगवान कृष्ण की रानियों ने इस गीत को गुनगुनाया था 90 अध्याय के 15वें श्लोक से 24वें श्लोक तक। फिर फलश्रुति की भी बात कर रहे हैं। तो आप जब इन श्लोकों को पढ़ेंगे, अब ये पढ़ते हैं हम साथ में मिलके, समय जितना लगेगा लगेगा, हमें परवाह नहीं है समय की। आज काम ही क्या है, कुछ और काम ही नहीं है, भगवान कृष्ण का स्मरण करना है बेसिकली। तो ये गीत और ये जो भावनाएं हैं जो श्रीमती, जो भगवान कृष्ण की जो धर्म पत्नियाँ हैं, जो रानियाँ हैं, जिन्होंने व्यक्त किया इस भावनाओं को महल में रहते हुए, चारों तरफ सुख सुविधाओं से ओतप्रोत है उनका जीवन, लेकिन फिर भी उन्होंने उस भाव को, जिसे कि प्रेम वैचित्र्य कहा जाता है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो प्रेरणा का विषय क्या है? प्रेरणा का विषय है कि जो गृहस्थ लोग हैं वो भी अपने घर में रहकर अच्छे से भक्ति करते हुए उसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, वो भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो इंटेंसिटी तीव्रेण भक्ति योगेन, अगर वो तीव्र भक्ति रहेगी तो उसको प्राप्त कर पाएंगे, और अपने आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं ये बुद्धि भी मिल जाएगी, ददामि बुद्धि योगम, ये बुद्धि भी प्राप्त हो जाएगी कि कैसे हर वस्तु, हर व्यक्ति के अंदर भगवान कृष्ण का संबंध खोजना है, कैसे हर वस्तु, हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है, कैसे हम भगवान कृष्ण का घर में रहते हुए स्मरण कर सकते हैं। ये जो प्रेम वैचित्र्य, इसका मतलब, प्रेम वैचित्र्य का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण साथ ही हैं, सामने हैं, लेकिन विरह का अनुभव हो रहा है। सामने है भगवान कृष्ण, गोपियों के सामने है भगवान कृष्ण, लेकिन विरह का अनुभव करती हैं वो। हमारे आचार्य इस बात को बताते हैं, वो कह रहे हैं कि विरह का अनुभव क्यों कर रही हैं वो, क्योंकि उनको ये आशंका है कि अभी हैं तो सही, चलो मान लिया हैं, सामने दिख ही रहे हैं, लेकिन ये कब चले जाएंगे हमें छोड़ के ये पता नहीं है। उस घड़ी जो दुख होगा जब भगवान छोड़ के चले जाएंगे, अन्यत्र चले जाएंगे भगवान, वो जो उस समय दुख होगा भगवान को ना देख पाने का, वो दुख उस घड़ी भगवान सामने साक्षात बैठे हैं, विहार कर रहे हैं, उससे भी बलवान हो जाता है वो, उस भगवान के दर्शन को, सामने बैठों को ढक देता है वो। और विरह के भाव में जो भक्त है वो पूरी तरह से डूब जाता है। इसे प्रेम वैचित्र्य कहा जाता है। रूपा गोस्वामी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपनी पुस्तकों में। तो रानियों का क्या भावना थी, तो 14वें श्लोक में, दशम स्कंद के 90 अध्याय के 14वें श्लोक में जो है, गोपियों के जो रानियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो रानियां हैं वो मुकुंद एक धियो, उनकी बुद्धि, उनका चेतना पूरी तरह से मुकुंद के बारे में सोचने में पूरी तरह से जो है डूब गई, उनकी पूरी तरह से स्टंड, एकदम जिसे कहते हैं ना कि कुछ और सोच ही नहीं पा रहे, बिल्कुल
जड़ बुद्धि जैसे हो जाती है, बिल्कुल समाधि में वो लोग वो चले गई और एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह जो है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जैसे गोपियां बोल रही थी वही स्थिति भगवान कृष्ण की रानियों ने, भगवान कृष्ण सामने मौजूद हैं फिर भी उन्होंने उस स्थिति को बेसिकली प्राप्त कर लिया। तो ये जो गोपियों का जो भावना है प्रेम वैचित्र्य की, ये रानियों ने भी प्राप्त की, गृहस्थ भक्त भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो 15वें श्लोक में जो रानी है वो कुरारी जो पक्षी है, ऑस्प्रे बाज की तरह होता है और समुद्र पानी के आसपास रहता है, और क्योंकि द्वारका समुद्र तट पे है तो वहाँ पे पक्षी है जोर जोर से चिल्लाता है, वो तो उसकी सुन रही थी चित्कार को रानियाँ, और उन्होंने बोला कि अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुम चित्कार क्यों कर रही हो, रात का समय है, इस समय तो जो है कृष्णा भी जो है वो भी कहीं विश्राम कर रहे होंगे, तुम भी विश्राम करो, तुम क्यों हमारी तरह जाग रही हो, हमारी भी आंखों में नींद नहीं है, तुम्हारी भी आंखों में नींद नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा हृदय भी हमारी तरह कृष्ण प्रेम से बिध गया है, भगवान की जो मुस्कान है जो वो तुम्हारे हृदय के अंदर वो भी प्रवेश कर गई है, क्या ऐसा तो नहीं है, क्या क्या जो कृष्ण के जो मधुर वचन है जो उन्होंने कभी तुम्हें सुनाए होंगे, क्या वो तुम्हें अब सांत्वना नहीं दे पा रहे, क्या तुम्हें वो शब्द याद भी नहीं आ पा रहे। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहाँ पर जो कुरारी पक्षी है और जो रानी है उनके बीच संवाद को प्रकट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो कुरारी ने बोला कह रहे कृष्ण तो तुम्हारे पास ही है, क्या कृष्ण तुम्हारे पास नहीं विश्राम कर रहे। तो रानियों ने बोला गुप्त बोधा, नहीं हमें नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं कहाँ पर है, पता नहीं कहाँ पर है। जैसे बृहद भागवत में नारद जी इंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं कि अरे तुम्हारे छोटे भाई बन गए कृष्णा, और तुम्हारे हाथ से भोजन स्वीकार कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ से पूजा अर्चना स्वीकार कर रहे हैं, जब चाहते हो तुम दर्शन कर लेते हो। इंद्र ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, जब चाहता हूँ दर्शन कर लेता हूँ, जब भगवान चाहते हैं तो दर्शन देते हैं, नहीं तो मुझे नहीं पता रहता, मैं अपनी इच्छा से भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, मैं मेरे में ताकत नहीं है, पता नहीं भगवान कहाँ है, और पता नहीं तुम ऐसी बात करके क्यों मेरे हृदय को ठेस पहुंचा रहे हो, पीड़ा पहुंचा रहे हो। ये इंद्र बोल रहे हैं नारद जी को, ये इंद्र बोल रहे हैं। तो रानियों ने बोला कुरारी को कि जो कृष्ण ने कभी तुम्हें भी बोला होगा कि हाँ मैं आऊँगा मिलूँगा तुमसे, कभी उस चक्कर में तो नहीं पड़ गए तुम, कभी तुम वो प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे कि हाँ उन्होंने बोला था वो आएंगे भाई आएंगे, वो चलो कोई बात नहीं। फिर 16वें श्लोक में रानियों ने बात की चक्रवाकी पक्षी से, और उन्होंने बोला चक्रवाकी को कि तुमने तो आंखें बंद कर रखी हैं, वो जो कुरारी थी पक्षी उसने तो आंखें खोल रखी थी, तुमने तो बंद कर रखी हैं आंखें भाई, लेकिन फिर भी तुम जोर जोर से चित्कार कर रही हो चिल्ला रही हो, क्या जो तुम्हारा प्रेमी है हमारी तरह तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हें छोड़ के तो नहीं चला गया, क्या तुम जैसे हम अच्युत की दासियां बन चुकी हैं, क्या तुम भी तो
अच्युत की दासीनी बन गई? जैसे हम विलाप कर रही हैं, ऐसे क्या तुम भी तो नहीं विलाप कर रही? जैसे हम हमारे हृदय में उत्कंठा है कि भगवान कृष्ण अपने चरण कमलों से फूलों के हार को छू देंगे और वो हार जो है प्रसादी हार, हम बहुत उत्कंठा के साथ हम उसको धारण करेंगे, क्या तुम्हारे हृदय में भी तो, क्या ऐसी ऐसी भावना तो तुम्हारे हृदय में तो नहीं आ गई कि उन्होंने कहा था हाँ चलो देंगे देंगे भाई, हार भी दे देंगे, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं? अब कब तक उस आशा के अंदर जीवित रहेंगे, कब तक जीवित रहेंगे? अब जो है 17वें श्लोक में जो रानी है, अब क्योंकि समुद्र तट पर ही है, समुद्र के बीचों बीच है द्वारका, तो चारों ओर से समुद्र जो है उसकी लहरें लगातार शोर मचा रही हैं। और रानियों ने बोला, भाई तुम्हारे बारे में तो हमने सुना है कि तुम कभी मर्यादा उल्लंघन नहीं करते, जो तट है उस पे तट को कभी तुम पार नहीं करते, अब एक जगह तुम खड़े रहते हो, बड़े बड़े धैर्य है तुमके अंदर, तुम्हारे अंदर, तो फिर ये तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? आखिर क्यों तुम रात को सो नहीं पा रहे? और उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारी नींद तो नहीं उड़ गई, इनसोम्निया तो नहीं हो गया? इनसोम्निया जो शब्द है उसका अर्थ है कि जिसको रात को नींद नहीं आती, जागता रहेगा, वो नींद ही नहीं आ रही उसको। इस संसार में इनसोम्निया से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी भगवान के विरह में नहीं जाग रहा, सब इस भौतिक संसार में अपनी स्थिति और मजबूत करने के विचार से लोग रात को ठीक से सो नहीं पा रहे। बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। तो रानियों ने समुद्र को बोला कि जैसे कृष्ण ने हमारा आलिंगन करने के बहाने हमारे आभूषण, हमारी लज्जा सब छीन ली उन्होंने, तो हम तो अपना सामान उनसे वापस चाहती हैं, इसलिए हम उनको ढूंढ रही हैं। तो कृष्ण ने तुम्हारा भी तो जो आभूषण है, जो तुम्हारी जो संपत्ति है, समुद्र की संपत्ति कौन सी है? समुद्र की संपत्ति है लक्ष्मी देवी, जो समुद्र से प्रकट हुई। समुद्र की जो संपत्ति है कौस्तुभ, जो मणि है, वो समुद्र से प्रकट हुई और अनेक वस्तुएं प्रकट हुई। तो जैसे कृष्ण ने हमारे आभूषण हरण कर लिए, ऐसे कृष्ण ने लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि इत्यादि जो तुम्हारी संपत्तियां थी उसका भी हरण कर लिया। तो जैसे हम ढूंढ रहे हैं अपनी संपत्ति की आकांक्षा में, लालसा में, कि हमारे हो सकता है संपत्ति हमें वापस मिल जाए, तो क्या तुम भी उसी आशा के अंदर तो नहीं रात को सो नहीं पा रहे? क्या वो जो आशा है कृष्ण का दर्शन करके अपनी संपत्ति वापस मांग लूं, क्या वो आशा तुम्हें भी सोने नहीं दे रही? और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो ये संपत्ति है लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि इत्यादि, ये क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई थी, लेकिन द्वारका में तो क्षीर सागर नहीं है, लेकिन ये जो प्रेम वैचित्र है, प्रेम वैचित्र के चलते जो रानियां हैं वो उसको, जो एक साधारण समुद्र है उसको क्षीर सागर समझने के स्तर पे पहुंच गए, उसको क्षीर सागर ही उन्होंने समझना शुरू कर दिया।
अब रानियों ने 18वें श्लोक में चंद्रमा की तरफ उनका ध्यान चला गया, और चंद्रमा उस समय जो है अमावस्या के आसपास का वृतांत है, ये बिल्कुल संकुचित चंद्रमा की स्थिति थी उस समय। तो रानियों ने बोला, अरे तुम्हें टीवी तो नहीं हो गया ट्यूबरक्लोसिस ये तो तुम्हारे जो किरणें हैं उससे तो रात का अंधेरा भाग जाना चाहिए था, भाग ही नहीं रहा। क्या तुम भी हमारी तरह, क्या तुम भी जो है मुरझा तो नहीं गए? जो तुम ये संकुचित हो रहे हो, जो तुम ये सिकुड़ गए हो, क्या ये हमारी तरह तुम्हारा हाल तो नहीं हो गया कि जो कृष्ण ने हमें जो वायदे किए थे, जो हमें उन्होंने सांत्वना दी थी, हमें कहा था कि हाँ आश्वासन दिए थे कि हाँ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, मैं आऊँगा दर्शन दूंगा, हमारे साथ समय बिताऊँगा, तो हमें तो वो मिला नहीं। तो हम तो उस चक्कर में हम लोग परेशान हैं, भगवान सामने हैं, भगवान सामने हैं, उनके साथ हैं भगवान। लेकिन रानियां बोल रही हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम मुरझा रहे हैं, हम लोग, हमारे जो है शरीर का क्षय हो रहा है, ऐसे ही जो मुकुंद है उनके विरह में तुम्हारा भी जो जो तुम्हारा भी शरीर का क्षय हो गया, अब तुम्हारी जो चंद्रकांति है, जो रोशनी है किरणों में, अब वो बात नहीं रही, अब वो रात का अंधकार दूर करने में सक्षम नहीं रही हैं। वो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो भगवान कृष्ण ने तुम्हें वायदे किए थे, जो आश्वासन दिए थे, तुम उन्हें याद भी नहीं कर पा रहे, तुम उन्हें याद ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्योंकि तुम भूल चुके हो, इतनी इतना लंबा समय बीत चुका है कि जो कृष्ण ने तुमसे जो वायदा किया था, बोला था कि हाँ ऐसा होगा मैं दर्शन दूंगा, उस बात को लंबा समय बीत गया और विरह की पीड़ा से अब तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, स्मृति छिन्न हो गई तुम्हारी, अब तुम ठीक से याद भी नहीं कर पा रहे, और इसीलिए जो है तुम जो है तुम्हारा शरीर का हास होता जा रहा है। और फिर इसी प्रकार जो रानियों ने मलय देश से जो चंदन की सुगंध से ओतप्रोत जो हवा है, रानियों ने उनको उसको भी उलाहना दिया कि अरे तुम हमारे पास आई क्यों रही हो, कृष्णा मुकुंदा है नहीं, और तुम आके ये खुशबू फैला के हमें तुम उनका और अधिक, पहले से हम विरह में पीड़ित हैं और हमारे हृदय में उनके जो सामिप्य की भावना को प्रज्वलित कर रही हो, जो कि शांत नहीं हो सकती, तो हमें तो तुम बेसिकली परेशान कर रही हो, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से? तो चंदन युक्त हवा को जो रानियाँ हैं वो उलाना दे रही हैं, बादल को कह रही हैं, बादल को कह रही हैं कि तुम्हारा रंग तो कृष्ण से मिलता जुलता है, तुम्हारा रंग मिलता जुलता है हमने मान लिया, लेकिन जो कृष्ण के आभूषण है, जो जो श्री वत्स का निशान है, कौस्तुभ मुनि है, वो कहाँ है तुम्हारे पास? वो तो है नहीं, तुम भी उन आभूषणों का, वो उस श्री वत्स के चिन्ह का, कौस्तुभ मणि का दर्शन तो तुम भी करना चाहते हो हमारी तरह, और तुम दर्शन नहीं कर पा रहे, तुम्हारा हृदय पीड़ा से पूरी तरह से छलनी हो चुका है,
तो तुम ये जो वर्षा कर रहे हो, ये वास्तव में तुम्हारे अश्रु हैं, तुम्हारे हृदय का जो दुख है वो अश्रु के रूप में प्रकट हो रहा है। हमें सब पता है, हमें सब पता है। अब कोयल को पकड़ लिया 21वें श्लोक में, और कोयल को बोला कि अरे तुम्हारी जो ये जो तुम्हारी जो वाणी है ये तो बहुत ही मधुर है, बिल्कुल कृष्ण की तरह है तुम्हारी वाणी। तुम्हारी जो है बोली सुन के हमें कृष्ण का स्मरण आ रहा है, लेकिन कृष्ण तो सामने नहीं है। तो वास्तव में वो सरकाजम व्यंग कस रही है कि बंद करो बोलना, तुम्हारे बोलने से हमें कृष्ण का स्मरण आ रहा है, हमारी विरह की भावना और अधिक जो है प्रज्वलित हो रही है। पहले ही नहीं हम झेल पा रहे, जो मौजूदा स्थिति है उसी को नहीं हम सहन कर पा रहे, तुम और जो है अपना आवाज़ है अपनी बोली से हमारे हृदय को और व्यथित कर रही हो। जबकि क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि तुम्हारी वाणी तो बहुत सुंदर है, बताओ हम तुम्हारे क्या सेवा करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि रानियाँ एक्चुअली में कोयल को कह रही हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारी चोंच तोड़ देंगे हम क्योंकि हम सह ही नहीं पा रहे, हम सह ही नहीं पा रहे, तुम्हारे हम चोंच को आग लगा देंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। और फिर उन्होंने पर्वत को बोला कि तुम तो अचल हो भाई, ना चल सी, तुम तो चल नहीं पाते और तुम बिल्कुल चुपचाप खड़े हो, तो जरूर तुम किसी गंभीर विषय पर, तुम किसी गंभीर विषय पर विचार कर रहे होंगे, अवश्य तुम ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो मेरी चोटियां हैं, जो मेरे शिखर हैं, कब कृष्णा उन शिखरों पे अपने चरण रखकर उसे मुझे धन्य कर देंगे, कब ऐसा समय आएगा, कब ये बात होगी। और उन्होंने रानियों ने नदियों को बोला कि देखो तुम तो समुद्र की पत्नियां हो, लेकिन समुद्र अब तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा, इसलिए तुम सूख गई हो, अब तुम्हारे अंदर कमल के फूल नहीं खिल रहे, बिल्कुल हमारी तरह कि कृष्ण ने हमारी उपेक्षा कर दी, इसलिए हम किसी भी प्रकार के सुख का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, और हमारे शरीर की कांति भी जो है ख़त्म हो गई है, क्योंकि क्योंकि जो मधुसूदन है, जो कृष्णा है, हमारी तरह उन्होंने तुम्हारे हृदय को भी चुरा लिया है। अब इस विरह की अग्नि में जैसे हम जल रहे हैं, जैसे हमारी सारी संपत्ति खत्म हो गई, कोई हमें उससे, कोई हमें उससे कुछ सुख प्राप्त नहीं हो रहा, यही हाल तुम्हारा है, यही हाल तुम्हारा है। 23वें 24वें श्लोक में रानियों ने हंस को बोला कि बैठो बैठो थोड़ा दूध पी जाओ, और हमें कुछ कृष्ण का समाचार तो देते जाओ, कुछ तो समाचार देते जाओ, हमें पता है कि तुम उनके संदेश वाहक हो, हमें जो अच्युत कृष्ण है हमें ये तो बताते जाओ कि क्या वो ठीक ठाक है, क्या वो हमें हमें याद कर रहे हैं, क्या हमें उनकी पूजा करने के लिए हमें जाना चाहिए क्या। तुम वास्तव में एक दुष्ट स्वामी के सेवक हो, तो जैसे तुम्हारा स्वामी दुष्ट है, कोई हम उससे किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं कर सकते, ऐसे ही हमें पूरा विश्वास है कि तुम भी हमें कुछ लाभ नहीं तुम हमें पहुंचा पाओगे, तो जाओ
जाके बोल दो कृष्णा को कि अगर वो अपनी अपनी अगर वो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो उनको हमारे पास आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे कृष्णा के पास। और जब वो आएंगे तो उनको बोल देना लक्ष्मी लक्ष्मी को साथ लेकर नहीं आएंगे। ऐसा थोड़े ना कि लक्ष्मी अकेले ही जो है उनकी पूर्णतः सेवा में मग्न है। हम भी तो सेवा में लगे हुए हैं, हम भी तो कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं 24 घंटे। तो लक्ष्मी देवी को ही अकेले क्यों पूरा ध्यान दिए जा रहे हैं? जो निष्ठा एक निष्ठ है, एक निष्ठ भाव तो हम में भी मौजूद है। हमारा उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हमें भी अपनी कृपा प्रदान करें। ऐसा जाके तुम अपने स्वामी कृष्ण को ये संदेश दो। तो इस प्रकार से अपने आसपास जो भी वस्तुएं, जो कृष्ण की रानियां हैं, 16,100 रानियां, जो भी वस्तुएं देख रही हैं उसको भगवान की सेवा में भगवान से संबंधित करके देख रही हैं। हर वस्तु को देख के भगवान का ही स्मरण उनको आ रहा है। फलश्रुति भी इसमें दे रखी है। फलश्रुति ये दे रखी है कि जो भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेगा, जो भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करेगा, जो भाव कृष्ण की रानियों ने प्राप्त किया, वो भाव वो लोग भी प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर एक बात है कि 25वें श्लोक में 25वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इस तरह के भावना को अंगीकार करके पूरी तरह से अपनी चेतना भगवान कृष्ण में निवेशित करने के कारण जो रानियां हैं उन्होंने परम गति भगवान कृष्ण का धाम उन्होंने प्राप्त कर लिया, उसी क्षण उन्होंने प्राप्त कर लिया। और विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि उन्होंने तो उस क्षण प्राप्त कर ही लिया था। तो फिर ये जो बात है कि रानियों का अपहरण कर लिया था भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद में, जो ये भील इत्यादि लोगों ने जो गोपियों का अपहरण कर लिया था अर्जुन की उपस्थिति में, वो उसमें कोई इतना दम नहीं है उसके अंदर। क्योंकि यहाँ पर 25वें श्लोक में दशम अध्याय स्कंद के 90वें अध्याय के 25वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनको तो पहले ही परम गति प्राप्त हो चुकी है। तो कैसे कोई भील या कोई व्यक्ति कोई भी उनको छू सकता है, उनका स्पर्श कर सकता है, उनका हरण कर सकता है, वो संभव नहीं है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आखिरी श्लोक में इसकी टीका में कह रहे हैं, द्वादशी के दिन उन्होंने इसको संपन्न किया था, और वो कह रहे हैं कि ये मैं टीका लिख पाया डिवोटी एसोसिएशन के कारण, वैष्णवों के संघ के कारण। वैष्णवों का संघ क्यों महत्वपूर्ण है? वैष्णवों का संघ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे हमें सेवा प्राप्त होती है। वैष्णवों का संघ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वैष्णवों के संघ के अंदर हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करने की, कीर्तन करने की हमें सुविधा प्राप्त होती है। वैष्णवों का संघ इसीलिए महत्वपूर्ण है, वैष्णवों का संघ हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देता है, हमें उत्साह देता है, हमें बल प्रदान करता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ये मैं कर नहीं पाता, लेकिन वैष्णवों का संघ था इसलिए कर लिया। भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं, एकाकी आमार ना ही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, अकेले मैं भी
कृष्ण कीर्तन करने में पूरी तरह सर्वथा असमर्थ हूँ, सर्वथा असमर्थ हूँ। तो हम पहली बात तो घर में फंसे हुए हैं हम लोग, ऊपर से पूरी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करने की भावना भी हमारे हृदय में जागृत नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर हम वैष्णो का संग, वो लालसा अगर हमारे हृदय में नहीं होगी, तो हम घर में रहते हुए जैसे रानियों ने इतने उच्च भाव को प्राप्त किया, हम कैसे कर पाएंगे? अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, संभव है, बिल्कुल संभव है, लेकिन प्राप्त करना है तो आखिर में बिल्कुल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, वैष्णव संघ को नहीं छोड़ सकते, वैष्णव संघ पकड़ के रखना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसको यहीं पे विराम देता हूँ।